एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा वो चलाई जा रही थी, और एक अजीबोगरीब मामला अब सामने आ रहा है जहां पर जिन लोगों के बाहर के जो एरिया है वो तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, उसके बाद कुछ अलग ही मामला सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है जो यहाँ रहने वाले हैं जिनकी ये जगह, उनका ये कहना है कि हमारे साइड और अपोजिट साइड की बात की जाए तो भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है नेशनल हाईवे द्वारा जो एंटी, ये देखिए यहाँ पर कुछ गहमा गहमी भी शायद हो चुकी है और गहमा गहमी भी फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है। रेलिंग में फर्क होता है, और यहाँ पर कुछ बातें अगर लोग कोई छाया में खड़े होते हैं तो यहाँ पे कोई मेट्रो स्टैंड नहीं बना हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, जब मेट्रो आती है तो मेट्रो में बैठ के जाते हैं अपने अपने काम, और शेड तोड़ दो, ये हमने ये देखिए ये लोगों के लिए पानी फ्रिज लगाया हुआ हमने, ये लोगों के लिए फ्रिज लगाया हुआ हमने, ये सारी फ्रिज लगाया हुआ हमने पानी का, ये देखो ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी बगाओ जी, ऐसे कर दो वो कर दो, कोई मेरे को मारो जिसने मारना है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैंने लड़ना अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, बगाओ। यहाँ पर फिलहाल ये रोड पर अगर देखा जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो अपोजिट साइड जो जगह है वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, हमसे जो है अलग तरीके का गुस्सा जो है वो निकाला जा रहा था, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि क्यों ना आप इस पूरी जगह को नाप कर देखें कि क्या जिस तरह से आप इस तरफ से जो ये बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जो आप इस तरफ से तोड़ रहे हैं क्या अपोजिट साइड भी इसी तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर देखा जाए सिक्योरिटी फोर्सेज भी यहाँ पर आ चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोई खराबी ना हो जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर भी आ चुके हैं, और वहीं अभी अगर गाड़ियों की बात की जाए जेसीबी की वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी, फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि इस चीज़ को रोका गया है और अभी आगे की कार्रवाई क्या रहती है, और वो देख रहे हैं कि भाई क्योंकि इनका गुस्सा सामने नज़र आ रहा है, जो ऑनर है जिनकी जगह है उनका गुस्सा सामने नज़र आ रहा है कि हमारे साथ जो है वो अलग तरीके से भेदभाव जो है वो किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हमारी जगह को अलग क्यों तोड़ा जा रहा है जबकि हमने हर तरीके से यहाँ पर लीगल तरीके से काम किया हुआ है, और वहाँ जो एंटी इंक्रोचमेंट करने आया वो अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो हम कर रहे हैं वो पूरे सर सुबह से देख रहे हैं आप ये बातचीत उनसे कर रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानी, आप कह रहे हैं कि हमारी जो जगह है वो लीगल तरीके से है लेकिन वो तो अपने तरीके से कार्रवाई करते थे। भैया इनको हर चीज इलीगल लगती है, अगर इनकी जेब में हम पैसा डालेंगे वो लीगल हो जाएगा, ये आपको पता है कि जब से वाली जगह देखो रोड, ये हमारी जम्मू कश्मीर ड्यूटी बनी है क्योंकि हमारा माई बाप तो कोई पीछे रहा नहीं, किसके पास जाएंगे, कोई मंत्री नहीं कोई कुछ नहीं, ये अफसरशाही तानाशाही ये चलती रहेगी, चार अफसर आ जाएंगे किथे हो गए भाई लोगों को ये तोड़ दो, आप इनका वो देखिए अभी इनकी लिस्ट देखिए, लिस्ट में चस्का रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है उनकी रेलिंग और रैंप, रेलिंग हमने उखाड़ के वो अंदर रख दी हुई है, रैंप ये गवर्नमेंट का बना हुआ है, ये हमने पहले उखाड़ दिया हुआ है, अब ये इनको शेड दिख रहा है, शेड अगर इसमें रेलिंग में शेड लिखा हुआ बताए वो था ही नहीं इसमें, बाकी अगर ये तोड़ने पे आएंगे ना तो फिर यहाँ पे दंगा होगा, फिर आज ही होगा, बाकी मरने में हम राजपूत लोग हैं, मरने मराने से नहीं डरते, हमारे कई शहीदियां दे दी लोगों ने देश के लिए, हम भी दे देंगे, हम अपने लोगों के लिए करेंगे। सीधे तौर पर इनका यही कहना है जो लीगल तरीका अगर उससे चलेंगे तो हमें कोई उससे गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेलिंग हमने खुद पहले ही तोड़ के रख दी थी क्योंकि इस तरफ ये चीज़ें बता रहे थे कि ये है, अब उनके द्वारा कहना कि ये है कि जो अथॉरिटी के लोग आए वो कह रहे कि शेड भी उखाड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि शेड का कोई मामला नहीं है, अब ये जानबूझ कर जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये इनका कहना है, अब ये अलग ही जो रुख है एंगल जो है इस चीज़ को मिलता चला जा रहा है, जहाँ अथॉरिटी के लोग हैं वो अपनी कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, उन्होंने कागज़ पकड़े हुए वो कागज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास जो कागज़ आए थे यानी कि जो हमें बताया गया था उसमें यही बताया गया था कि यहाँ तक जो रेलिंग है वहीं तक ये कार्रवाई की जाएगी, और रेलिंग हमने पहले ही उखाड़ दी थी, इस जो जिस जहाँ पर हम खड़े हैं इस पाथ की बात की जा रही है कि ये पाथ जो है इसे भी छोड़ दिया जाएगा, ये पहले से ही छोड़ दिया गया था, और अभी फ़िलहाल शायद
यहाँ पर आगे की कार्रवाई भी, ये देखिए आप जेसीबी की गाड़ी है, गुस्सा जो ये लोग हैं जिनकी है उनका गुस्सा सामने आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी है, इसी के द्वारा फिलहाल शायद अभी शेड को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बात जो है अथॉरिटी द्वारा नहीं सुनी जा रही है, बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। अथॉरिटी कह रही है कि हम अपना काम करने आए हैं, जो चीज़ कही गई है वो हम तोड़ के ही रखेंगे। और फिलहाल ये देखिए ये जेसीबी की गाड़ी है, और शायद अभी जिस तरह से इन लोगों को, क्योंकि जो ऑनर हैं, जो लोग हैं जिनकी ये जगह है, वो गुस्से से भरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तोड़ेंगे तो फिर अलग ही रुख जो है हमारी तरफ से देखने को मिलेगा, हम अलग रुख अपना लेंगे। हालांकि पुलिस की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की, वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अभी गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है यहाँ के स्थानीय लोग जिनकी जगह है और पुलिस के बीच में, और शायद गहमा गहमी हो चुकी है, और अब देखा जाएगा कि आखिर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल गुस्से से भरे हुए हैं लोग, उनका कहना है कि जहाँ तक थी हमने वहाँ तक जो है वो चीज़ें छोड़ दी हैं, अब आप कहेंगे कि आगे शेड भी तोड़ा जाएगा तो वो आप इलीगल कर रहे हैं, ये इन लोगों का कहना है जिनकी ये जगह है। और दूसरी तरफ अथॉरिटी के जो लोग हैं वो अपनी कार्रवाई करने में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहते, वो चाहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है जिस चीज़ पर हमने कार्रवाई करनी है वो हम करके ही रखेंगे। हालाँकि इससे पहले जो हमने शुरुआत में ही आपको दृश्य दिखाए कि इन लोगों द्वारा रोड पर निपाई की गई और दिखाया गया कि दूसरी तरफ जहाँ कार्रवाई नहीं की गई है वहाँ और यहाँ में क्यों इतना फ़र्क जो है वो समझा जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी भी तैनात है कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गलत ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, चीज़ें भी कार्रवाई भी करनी है, और लोगों को समझाना भी है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता जिनका घरों को जिनकी दुकानों को तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम इस तरह की कार्रवाई नहीं होने देंगे, जितनी चीज़ें कही गई थी जो हमारे सामने थी उसको हम तोड़ने की इजाज़त देंगे। लेकिन ये जो शेड आप देख रहे हैं इसी की बात को लेकर अब गहमा गहमी है कि इस शेड को तोड़ने की बात जो है वो की जा रही है कि इस शेड को तोड़ना पड़ेगा। अथॉरिटी वालों की तरफ से कहना है कि ये नेशनल हाईवे के अंडर आता है और ये इसलिए हमें अब फिलहाल तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से अलग अलग जगह पर लगातार जो है एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। और ये देखिए अभी फिलहाल इनके बीच में कोई बातचीत हो चुकी है, सहमति शायद हो चुकी है, गुस्से से तो भरे हुए थे लेकिन शायद कुछ बातचीत अभी हुई है पुलिस के साथ उनकी, और समझाया गया है कि जो कानून कार्रवाई है वो तो करनी पड़ेगी, और उसी चीज़ को लेकर शायद अभी जो ऑनर है वो सहमत हो चुके हैं। और अभी ये जो हम आपको सामने शेड बता दें, ये शेड है, पुलिस वाले देखिए आप, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, CISF के जवान यहाँ पर तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के तैनात हैं, सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं, और कहीं कोई अभी कोशिश करते हैं उनसे बात करने की भी। शेड आपकी अभी क्या इनसे सहमति हुई, क्या बात? अभी सहमति हमारी कुछ नहीं हुई है, ये कह रहे हैं कि शेड हम इनको टाइम मांगा कि हम शेड खुद उतार देंगे ये वाला, अगर आपको ये शेड इतराज देता है हम खुद उतारेंगे, तोड़ने नहीं देंगे, नुकसान नहीं कराएंगे, हम खुद उतारेंगे। जो ऑर्डर है, ऑर्डर में ये कहीं मेंशन नहीं है कि टेम्पररी शेड जो है वो इसमें कहीं मेंशन नहीं है, उसमें ये लिखा है कि जो परमानेंट जो स्लैब होती है वो आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो एंक्रोचमेंट में समझ गया, तो ये हवा में शेड है, ये कहीं पे इनके ऑर्डर में मेंशन नहीं है, इनके पास मेंशन अगर ऑर्डर में है तो उनको बोलो दिखाइए। अभी फिलहाल सहमति ये हुई है कि इन्होंने कहा है कि अगर आपको तोड़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ने इंटीरियर किया हुआ है उसका नुकसान हो जाएगा, लाइटिंग की हुई है इन्होंने, बिजली है अंदर, कुछ भी कुछ और नुकसान है, कोई इसके चपेट में भी आ सकता है, इसलिए अब सहमति ये हुई है कि ये खुद इसको जो है डिसमेंटल करेंगे, ये पूरा शेड जो है इनके जो जिनका ये जगह है जिन्होंने ये बनाया है उनके द्वारा खुद ये डिसमेंटल किया जाएगा। और अथॉरिटी के द्वारा कहा गया है कि आप इसे तोड़ने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि नुकसान हमारा और ज़्यादा हो जाएगा, हम खुद इसे डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे। और ये फिलहाल अब देखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा तो कहा गया है, अब शायद फिर से ये JCB की गाड़ी वापस आ चुकी है, अब ये पाथ बात को तोड़ने को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही करनी है इस चीज़ को लेकर, अब अलग चीज़ है क्योंकि कभी गाड़ी JCB के निकल रही है। अगर कोई फायदा है गवर्नमेंट की तोड़ी है तो मैं भी अपना तोड़ना।
शामी आयो शेड उपर 11,000 बोल रहे है सौ बंदे फाह लगे पुलिस वाले पुलिस बिल्कुल फाह लाते थे पंगा बधा दे शेड पर कहा गया था कि शेड है वो यही कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप बस वापस आ रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से जो आप नुकसान करना चाहते हैं वो गलत तरीका है ये जिनकी जगह है वो कह रहे हैं और बहसबाजी लगातार गहमा गहमी लगातार पिछले 1-1.5 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पर गहमा गहमी लगातार इस तरीके से चल रही है और पुलिस भी बीच में आ रही है बातचीत कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो नहीं चाहते कि इस ये जगह ये जो इशू उठा हुआ है कहीं और जो इख्तियार जो है वो चीज़ ना कर ले इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस भी नहीं चाहती कि कुछ और चीज़ें जो है वो हो जाए कहीं ना कहीं यहाँ लड़ाई झगड़े का जो है वो ना बन जाए तो उस चीज़ को लेकर गहमा गहमी लगातार जो है यहाँ पर चल रही है अब इन लोगों को पूछ लो अगर ये टाइल उखाड़ के कोई फायदा भाई सारे बोलो फायदा नहीं उखाड़ देते हैं ये टाइल उखाड़ने का कोई फायदा है कि क्या फायदा क्या इसको उखाड़ने का सारे लोग देखो मेरी गल सुनो पंग भैया अगे आओ मैं देखो मैं अपने पास नहीं लड़ा तुमने जिन्हें एक एक करियर ने सारे को जाना नहीं सारे किठे हुई हो और सारे किठे हुई होते फिर मैं लड़ना मैं अपने वाला लड़का तुम अपने वाला लड़के कोई कख नहीं होना ये दुनिया गंदी है अस तुहारे कन्ने चल गए लास्ट तक नरबार तक चल गए और अभी ये पूरी मतलब जो ये इश्यू है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है चीज़ें यही हैं कुंजवानी जो नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे की तरफ से यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया है कि रोड को और वाइडनिंग करना है उस चीज़ को देखते हुए ही ये सुबह से कार्रवाई की जा रही है और जगह जगह पर आते हुए जिस तरह से नेशनल हाईवे है वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है जो भी नेशनल हाईवे के अंडर जो जगह आती है जो लोगों के पास नहीं है यानी कि जो फुटपाथ भी रहता है अगर उस पर इंक्रोचमेंट की गई है उस पर ड्राइव चलाई जा रही है और गहमा गहमी इस चीज़ को लेकर हो रही है कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनकी ये जगह उनका कहना है कि ये ज़िद जो है हमारे साथ निकाली जा रही है अथॉरिटी द्वारा ज़िद से हमारी जो जगह है वो तोड़ी जा रही है अब सहमति यहाँ पर ये निकल रही है कि कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी द्वारा काम करना है वो लोकल लोग यहाँ के कह रहे हैं कि हम खुद तोड़ लेंगे अब डिसमेंटल हम खुद डिसमेंटल जो है चीज़ों को हम खुद कर लेंगे आप मत करिए क्योंकि हमारा जो सामान है वो और ज़्यादा टूट जाएगा आप सिर्फ शर्ट तोड़ेंगे लेकिन उसके साथ जो चीज़ें हैं हमारी और भी टूट जाएंगी जो हमने इतना ज़्यादा पैसा जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर
बात सहमति से अगर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस तरह की अगर कार्रवाई रहती है तो लोगों को हरासमेंट करने की कोशिश जो है वो अथॉरिटी द्वारा की जा रही है। अथॉरिटी कह रही है कि हमारे पास जो पेपर्स हैं उसी के हिसाब से जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, तो हम उस तरीके से करते हैं। पाथ देख सकते हैं नीचे, नीचे का पाथ आपको दिखाना चाहेंगे जिस पर ये अभी बहस लगी हुई है। ये पाथ है और ये टाइलें लगी हुई हैं। इन टाइलों को कहा जा रहा है कि इन टाइलों को अब तोड़ा जाएगा। इन टाइलों को लेकर अब बहसबाजी चल रही है कि ये टाइलें जो है किसको नुकसान पहुंचा रही है। पहले से ही टाइलें लगी हुई हैं, आपने बाद में भी टाइलें लगानी है तो इस तोड़ के यहाँ पर गंदगी फैला के आपको क्या मिलेगा। ये यहाँ के जो ऑनर है जिनकी जगह है उनका कहना है, ये शेड जिसको तोड़ा जा रहा था रोका गया और इनके द्वारा कहा गया कि हम इसे खुद डिसमेंटल कर देंगे, आप हमें एक दिन की समय दीजिए, हम खुद इसे हटा देंगे। और अब यहाँ पर आकर बात रुक गई है, जो ये पाथ है जो आगे का फुटपाथ है जो जगह है आगे तो पार्किंग के लिए शायद इस्तेमाल की जाती है, उसको भी अब शायद तोड़ा जाएगा। पहले अगर रेलिंग की बात की जाए तो रेलिंग जो थी वो यहाँ तक थी, ये देखिए यहाँ इन्होंने पहले से ही उखाड़ दिया, यहाँ तक ये रेलिंग थी यहाँ, और यहाँ पर बताया जाए ये एंगल लगे हुए हैं, यहाँ तक ये पूरी रेलिंग थी और जो कहा गया था उसे हटा दिया गया इन लोगों द्वारा। पर अभी भी देखिए आप क्योंकि अब JCP की गाड़ी आई है जो अथॉरिटी के लोग हैं वो सीधे तौर पर कार्रवाई करने आए हैं और उनका यही मंशा सीधे आप देख सकते हैं, उनका यही कहना है कि हम जो काम करने आएंगे उसको अंजाम देकर ही रहेंगे। और अब देखते हैं आगे क्या इनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। और इनकी जो ड्राइव है ये लंबी अगर बात की जाए तो ये पूरे कुंजवानी अभी कुंजवानी में चल रही है और इस तरह से आगे नेशनल हाईवे पर आगे तक चलते चलेंगे। छन्नी की बात की जाए तो उस तरफ इनका जाने का पूरा रुख है कि उस तरफ जाएगी और आगे के जो भी इस तरह के यानी कि जो रास्ते में होंगे जिन्होंने भी नेशनल हाईवे पर अपनी घेराबंदी की होगी उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी शायद बातचीत हो चुकी है और अभी फ़िलहाल यहाँ से ये गाड़ी निकल चुकी है और पाथ फिलहाल नहीं तोड़ा गया है और शायद ये खुद ही अभी इसको डिसमेंटल भी करेंगे। जिस तरह शेड किया गया डिसमेंटल इसे भी किया जाएगा। गाड़ियों को बता दें तस्वीर हम आपको यहाँ पर नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये JCP की गाड़ियाँ हैं अभी आगे की तरफ रुक कर रहे हैं। शायद आगे की जो जगह है ये जगह है जिनकी ऊपर और भी आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जहाँ जहाँ पर भी एंक्रोचमेंट की गई होगी अब आगे ये गाड़ियाँ चल रही हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में बता इन्होंने यही कहा था कि जो नेशनल हाईवे ने यहाँ पर इन्होंने पूरी इसकी नपाई की कि कहाँ अगर उस तरफ देखा जाए तो अपोजिट रोड में कि वहाँ क्यों छोड़ा जा रहा है, इस तरफ क्यों कार्रवाई की जा रही है, हम पर क्यों ये ड्राइव जो है चलाई जा रही है। पर अभी फ़िलहाल आगे जाएंगे ये अथॉरिटी के लोग हैं और अभी ये आपस में बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखेंगे अभी इनकी तरफ से क्या हो पाता है, क्या चीज़ें जो है निष्कर्ष निकल के आता है। फिलहाल दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, नमस्ते।